हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको छोले और भटूरे बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक बाउल छोले ले लिए हैं, बॉईल किए हुए हैं ये 2 सीटी से, और उसके साथ मैंने 2 ऑनियन चॉप किए हुए लिए हैं, एक बाउल हो गए छोटे बाउल में। उसके साथ हमने एक टमाटर की प्यूरी बना ली है और इसके साथ मैंने 1 चम्मच जिंजर घिसी हुई और गार्लिक की पेस्ट 1 चम्मच ले ली है। ये नमक है, इसे हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी है, ये इसे भी 1 टीस्पून डालना है, और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली ली पाउडर लिया है, और ये ऑयल है, और यहाँ छोले मसाले हैं एवरेस्ट के, इसे भी डालना है। चलिए अब हम छोले की बनाने से पहले इसकी भटूरे की सामग्री देख लेते हैं। भटूरे के लिए 1 कप मैदा, उसका 1/4 दही और थोड़े से पानी लेंगे, जैसे जितनी ज़रूरत होगी उतने ही डालेंगे, और उसके साथ खाने का सोडा है ये भी थोड़ी सी डालनी है, और थोड़ी सी सॉल्ट डालनी है। तो चलिए पहले छोले की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पे, पैन गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। गर्म हो चुकी है ये, इसे फ्लेम को तेज़ कर देंगे और पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो रही है, गर्म हो गई, अब हम इसमें हमें प्याज ऐड करने हैं, तो इसके लिए तेल को पहले फैला लेते हैं। अब इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और इस प्याज को अच्छी तरह से भूनना है, इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत लाल नहीं करेंगे लेकिन फिर भी अच्छे से फ्राई करनी है इसे। तो इसे हम अच्छी तरह से इसे चलाएंगे, और नहीं तो अगर बीच बीच में चलाएंगे नहीं तो ये लग जाएगी, प्याज जल जाएगी, तो प्याज को जलाना नहीं है लेकिन इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और अब धीरे धीरे ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। अच्छा, और ये अच्छी तरह से अब धीरे धीरे पकने लगे हैं प्याज, और इसका अब कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये अभी अब ये फ्राई होना शुरू हो गया है अच्छे से। प्याज ने अपने कलर बदलने शुरू कर दिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, और सॉल्ट 1 चम्मच डालना है, और थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ। उसके बाद हमें इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। अब और उसके बाद लहसुन और अदरक की जो पेस्ट थी वो डाल दूँगी, थोड़े से धनिया पाउडर डालूंगी मैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और मसाले को अच्छी तरह से चलाना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, तो इसे अच्छे से चलाते रहिए। इसे अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल करके इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे भी भून लेना है। और इसे चला करके अच्छे से भूनते रहना है, नहीं तो अगर इसे आप तेज फ्लेम पे छोड़ देंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। फ्लेम को आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मसाला धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू कर रहा है, तो अब इसमें ये मसाला अब भुन चुका है, तो इसमें अब हम छोले थोड़ी देर में छोले डाल देंगे।
छोले, अब ये छोले मैं इसमें डाल देती हूँ। अब छोले डालने के बाद आप छोले को धीरे धीरे अच्छे से इसे मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। मसाला पूरे छोले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारे मसाले को इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी से। और ये मिक्स हो रही है, अब ये मसाले के साथ छोले भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें पानी, थोड़ी सी पानी डालेंगे पहले, और इसे फिर एक कटोरी और पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि अब इसे पकने देना है। छोले ऐसे ही ऑलरेडी पहले से ही बॉयल थे तो अच्छे से पके हुए थे, इसलिए अब इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, और अब इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बन तैयार होने में। तो इसे अच्छी तरह से हिला लें, मिला लें इसे, और 2 मिनट अच्छे से चलाएं इसे तेज़ फ्लेम पे। ये अभी कम फ्लेम को कम कर दें, और अब ये इस पे एक ढक्कन लगा देंगे हम, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी, कम से इसकी फ्लेम एकदम कम रखनी है, और कम फ्लेम पर इसे अभी अब छोड़ देना है हमें। तो इसके लिए एक ढक्कन इसके ऊपर डाल दीजिए, और इसे अब शायद कम फ्लेम पे पकने दीजिए। अभी इधर हम भटूरे के लिए डो तैयार कर लेंगे, तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, और अब हम इस बाउल में 1 कप मैदा जो हमने लिया था, जो मेजरमेंट है उसकी, उस हिसाब से 1 कप मैदा इसमें डालेंगे। और 1 कप मैदा है तो उसकी 1/4 हमने जो दही लिए वो दही हम इसमें डालेंगे, उससे पहले खाने की सोडा इसमें डाल करके, और इसके साथ थोड़ी सी नमक डालेंगे इसमें, स्वाद के अनुसार आप थोड़ी सी नमक डालिए। अब इसमें दही उसे हल्की मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें खाने की सोडा और नमक डाला है, तो मिक्स करके अब इसमें दही डाल दीजिए, और दही डालने के बाद उसे पहले हल्का मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम जो हमने जो पानी लिया है वो जितनी ज़रूरत होगी हमें उसके डो बनाने में, उसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी डालते जाएंगे, और उसे एक सॉफ्ट आटे तैयार करेंगे भटूरे के लिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये, क्योंकि इसमें जो हमने दही डाली है और नमक खाने के सोडे, उसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। और थोड़ी सी ऑयल लेकर के हाथ में, और इसे अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, और ऊपर से लगा करके, और अब इसे थोड़ी 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक ढक्कन डाल देंगे, और ढक्कन डाल करके इसे हम छोड़ देंगे। और जब हम 10 मिनट बाद इसे खोलेंगे तो ये फूल जाएगी, थोड़ी सी उठ जाती है ये, क्योंकि हमने इसमें खाने के छोरे डाले हैं तो वो थोड़ी उठती ही हैं। अब 10 मिनट अब हो चुके हैं, तो अब देखती हूँ कि छोले पके हैं कि नहीं। तो 10 छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं छोले अच्छी से। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोले बहुत अच्छे, कलर इसके बहुत अच्छे आए हैं, अच्छे अच्छे से पक गई है। तो अब हम छोले को साइड में रख देंगे, और अब भटूरे तलने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले ली है भटूरे को तलने के लिए। अब यहाँ भटूरे का जो हमने आटा डाला था वो तैयार किया था, वो देखिए कैसे फूल गई है पहले से ज़्यादा।
ये आटा बिल्कुल रेडी है अब भटूरे बनने के लिए। तो हम अब इसमें इसकी छोटी छोटे लोई बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे, और देख रहे हैं बस इतनी इतनी छोटी छोटी लेंगे। इस तरह से हम कुछ पेड़े बना करके रख लेंगे। और अब इसे बेलना शुरू करेंगे और तेल अभी गर्म हो चुकी है तो अब इसे बेलना शुरू करना है और इसे तल तल के निकालने हैं। देखिए भटूरे कितने फूल रहे हैं। भटूरे को अच्छे से तल के और ऐसे ऐसे पेपर पे निकाल लीजिए ताकि इससे जो इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। पेपर में सोख लेंगे पेपर, और इस तरह से एक एक करके हम सारे भटूरे को तल करके निकाल लेंगे। और इस तरह से देखिए अब छोले और भटूरे रेडी हो गए। इसके कलर भी बहुत अच्छे आए हैं छोले के, और भटूरे भी बहुत फूले फूले से बने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उस वहाँ पे बेल के आइकन बने होंगे, तो प्लीज़ आप उस बेल के आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि जब मैं कोई भी नए वीडियो डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे वीडियो को पहले देख पाएंगे। थैंक यू।